Hey, hi dear students, I welcome you all once again in our new lecture from P block elements. और आप जानते हैं P block elements में हम halogen family discuss कर रहे हैं और आज के इस lecture में हम पढ़ेंगे how halogens react with hydrogen and what are the types of compounds they form when they are treated with hydrogen. So halogens में fluorine, chlorine, bromine और iodine जो है वो सारे एलिमेंट्स कौन कौन से कंपाउंड्स बनाते हैं जब वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं, तो वो हम आज पढ़ेंगे. तो समझ लो मेरे पास हेलोजन्स है. हेलोजन्स जो होते हैं दे रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, दे रिएक्ट विथ हाइड्रोजन अंडर डिफरेंट कंडीशंस. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन दे कंबाइन विथ हाइड्रोजन अंडर डिफरेंट कंडीशंस to form hydra acids, to form hydra acids. जैसे मैं यहां पे X2 लेता हूं, X2 may be a fluorine F2, Cl2, Br2, I2, and जब हम इसको hydrogen H2 के साथ combine करते हैं तो सारे halogens hydrogen के साथ react करते हैं under different conditions and form hydra acids. उन hydra acids की जो formula है that is HX. अब जो ये HX है it may be HCl, HBr, HI, even HF. That means halogens directly combine with hydrogen and in presence of different conditions they form special type of compounds called as hydra acids जिनकी formula है HX. It may be HF, HCl, HBr और HI. देख लीजिए मैं examples दे देता हूं. Examples में दे देता हूं. Fluorine जो है, fluorine halogen reacts with hydrogen under dark conditions. Fluorine जो है, fluorine hydrogen के साथ reaction करता है under dark conditions in absence of light and forms hydrogen fluoride. Forms hydrogen fluoride. But आपको एक चीज पता है, fluorine जो है, it is one of the highly electronegative element. तो जब ये hydrogen के साथ react करता है, यहाँ पे light और heat की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती, क्योंकि fluorine जो है vigorously react करता है hydrogen के साथ in absence of sunlight and heat and directly बनाता है hydrogen fluoride. लेकिन जो chlorine है, chlorine also reacts with hydrogen. Chlorine also reacts with hydrogen to form two times HCl, hydrochloric acid या hydrochloric acid. लेकिन ये जो reaction होती है, इसमें जो chlorine है, that is less reactive than fluorine. इसलिए इस वाली reaction में हमें light का use करना पड़ता है, तब जाके ये reaction होती है, वरना reaction होती ही नहीं है. This reason is simple because chlorine is less reactive than fluorine. So the reaction of chlorine with hydrogen will require some light for the process to take place. Likewise, अगर आप bromine लेते हो, Br2 bromine, जो कि chlorine से भी कम reactive है, ये भी hydrogen के साथ react करता है, forms two times HBr. लेकिन ये जो ब्रोमीन है, it is less reactive than chlorine, इसलिए ब्रोमीन अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे हमें हीट देनी पड़ती है. हीट आप देख रहे होंगे, conditions change हो रही है. When you change the halogen, you are actually changing the condition at the same time. Fluorine dark conditions में रिएक्ट करता है with hydrogen. Chlorine in presence of light react करता है with hydrogen. लेकिन ब्रोमीन in presence of heat react करता है with hydrogen. और रही बात आयोडीन की जो हैलोजन्स में सबसे लेस रिएक्टिव है, ये भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन. आयोडीन भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ बोथ सनलाइट एंड हीट. दोनों चीजें यहां पे देनी पड़ती है, क्योंकि आयोडीन सबसे कम रिएक्टिव है हैलोजन्स में. तो ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन आपको यहां पे लाइट और हीट दोनों देनी पड़ेगी, तब जाके आपको टू टाइम्स हाइड्रोजन आयोडाइड मिलेगा. तो हमने क्या देखा यहां पे, हाइड्रोजन जो है चारों हैलोजन्स के साथ रिएक्ट करता है
अंडर डिफरेंट कंडीशंस एंड गिव्स हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। लेकिन इस रिएक्शन में आपको याद रखना है द रिएक्शन ऑफ हैलोजन्स विथ हाइड्रोजन इट फॉलोज ए सर्टन ऑर्डर। फ्लोरीन जो है दैट इज हाईली रिएक्टिव दैन क्लोरीन, क्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव दैन ब्रोमीन एंड ब्रोमीन इज हाईली रिएक्टिव दैन आयोडीन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ, दैट इज फ्लोरीन, बिकॉज इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इवन इन प्रेजेंस ऑफ डार्क कंडीशंस, दैट इज बिकॉज ऑफ इट इज हाईली रिएक्टिव नेचर, it is highly reactive than chlorine, bromine and iodine. That is why when fluorine reacts with hydrogen it reacts under dark conditions. Lekin iodine sabse kam reactive hone ki wajah se hydrogen ke sath react to karta hai, lekin hame heat bhi deni padti hai, light bhi deni padti hai aur phir jaake ye hydrogen iodide banata hai. Kehne ka matlab hai the reaction of halogens with hydrogen takes place in this order. That means fluorine reacts vigorously, chlorine, bromine and iodine they react slowly with water under different conditions. अब एक चीज मैं आपको बताता हूं यहां पे, वो ये है, ये वाली रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है आयोडीन की रिएक्शन किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। अब रिवर्सिबल का मतलब क्या है, हाइड्रोजन आयोडीन मिल रहे हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं, हमें यही चाहिए, लेकिन ये वापस डिकम्पोज होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड वापस डिकम्पोज होता है और वापस आयोडीन और हाइड्रोजन रिलीज कर देता है। अब प्रॉब्लम क्या है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, ये क्यों वापस डिकम्पोज हो जाता है, देयर इज अ रीजन फॉर दैट। बिना फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो है ये तीनों एलिमेंट्स एक ही ग्रुप के हैं, हैलोजन फैमिली के, ग्रुप 17 के। व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप देयर इज इंक्रीज इन साइज, तो आयोडीन जो है इसका साइज सबसे बड़ा होगा, आयोडीन हैज लार्ज एटॉमिक साइज अमंग ऑल इन हैलोजन्स में से सबसे बड़ा एटम जो है आयोडीन ही है। तो जब ये आयोडीन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है ये क्या बनाता है, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब आयोडीन जो है बड़ा साइज होने की वजह से ये बॉन्ड भी बड़ी बनाता है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है हाइड्रोजन के साथ जो ये बॉन्ड बनाता है उस बॉन्ड की लेंथ बहुत ज्यादा होती है। And you know that when iodine, due to its large size, forms a bond with hydrogen, that too has large length. And you know that the bonds with large length, large bond length, those are weak bonds. Weak bonds. Hydrogen iodide ki bond, hydrogen iodide mein jo bond hai, wo bahut badi length ki hoti hai. क्योंकि इसमें आयोडीन प्रेजेंट है उसका साइज बड़ा होता है, उस बड़े साइज की वजह से जो बॉन्ड लेंथ यहां पे होती है बहुत ज्यादा होती है, उसकी वजह से ये बॉन्ड वीक बॉन्ड बन जाती है और वीक बॉन्ड बनने की वजह से ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाती है। जब बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगी तो ये मॉलिक्यूल क्या है, फिर अनस्टेबल, और जब मॉलिक्यूल अनस्टेबल है तो ये तो ऑलरेडी डिकम्पोज हो जाएगा, इसीलिए जो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड है दैट इज रिवर्सिबल। सो माई डियर स्टूडेंट्स, अगर हमको हाइड्रोजन आयोडाइड बनाना हो हमें एक चीज का ख्याल रखना है, टेम्परेचर ज्यादा नहीं देना पड़ेगा, टेम्परेचर ज्यादा नहीं देना है यहाँ पे, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर ज्यादा देंगे तो यहाँ पे ज्यादा खतरा है हाइड्रोजन आयोडाइड आपका प्रोडक्ट ज्यादा ज्यादा डिकम्पोज हो जाता है बैक इन टू इट्स रिएक्टेंट्स, दस जो क्वालिटी क्वान्टिटी मिलेगी हाइड्रोजन आयोडाइड की वो कम मिलेगी। सो इसको मैं रब कर देता हूं, इसको मैं रब कर देता हूं। सो हमने यहां तक क्या पढ़ा कि सारे हैलोजन्स रिएक्ट करते हैं विथ हाइड्रोजन अंडर डिफरेंट कंडीशंस टू फॉर्म हाइड्रोजन हैलाइड्स, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड, डिपेंडिंग अपॉन द हैलोजन विच इज रिएक्टिंग विथ हाइड्रोजन। अब देख लीजिए, आई विल टेक हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, HCl, HBr, HBr एंड HI, यहां पे देखो बेटा, मैंने चारों कंपाउंड्स यहां पे ले लिए, एक तो HF ले लिया, HCl ले लिया, HBr ले लिया और HI ले लिया। थोड़ा मैं फोन को टिल्ट कर देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। देख लीजिए बेटा, HF ले लिया, HCl ले लिया, HBr ले लिया और HI ले लिया। यू नो दैट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इनमें से सबसे बड़ा साइज किसका है, आयोडीन का।
सो इसकी जो बॉन्ड है ना, बॉन्ड सबसे बड़ी होगी हाइड्रोजन आयोडाइड की। बॉन्ड लेंथ जो होगी दैट विल बी हाई और लार्ज बॉन्ड लेंथ होगी। फ्लोरीन डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होगा तो फ्लोरीन सबसे छोटा होगा और इसकी बॉन्ड भी सबसे छोटी होगी। सो यहां पे जो बॉन्ड लेंथ जो यहां पे होगी दैट विल बी शॉर्ट। यहां पे बॉन्ड लेंथ कम है क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है तो बॉन्ड लेंथ भी कम होगी। लेकिन यहां पे बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा है, दैट इज वेरी लार्ज। लार्ज बॉन्ड लेंथ क्यों है? क्योंकि आयोडीन बड़े साइज का है, उसकी बॉन्ड भी बहुत बड़ी होगी। अब एक चीज हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि जब दो एटम्स के दरमियान छोटी बॉन्ड होती है, शॉर्ट बॉन्ड, उस टाइम एटम्स बहुत क्लोज आए हुए हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा हुई है, तो ये बॉन्ड जो है ना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है हाइड्रोजन फ्लोराइड के केस में, यानी कि आसानी से ब्रेक होगी नहीं। लेकिन यहां पे बॉन्ड का साइज बहुत ज्यादा है तो बॉन्ड वीक होगी, इट विल बी अ वीक बॉन्ड। वीक बॉन्ड कहने का मतलब क्या है? ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो सकती है। ठीक है, अब देखो यहां पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो यहां पे वीकेस्ट बॉन्ड है इसके केस में, तो मैं कहूं ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होगी लेकिन इसकी बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगी। सो व्हाट आई विल से, हाइड्रोजन फ्लोराइड इट विल बी स्टेबल मॉलिक्यूल देन हाइड्रोजन क्लोराइड, एंड हाइड्रोजन क्लोराइड विल बी स्टेबल मॉलिक्यूल देन हाइड्रोजन ब्रोमाइड, एंड दिस हाइड्रोजन ब्रोमाइड विल बी इन टर्न मोर स्टेबल देन हाइड्रोजन आयोडाइड। सबसे अनस्टेबल होगा हाइड्रोजन आयोडाइड क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड वीक है, बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगी। जब बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगी, कंपाउंड आसानी से डिकम्पोज हो सकता है, तो ये अनस्टेबल कंपाउंड होगा। सो याद रखिएगा, एज फार एज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इज कंसर्न इन केस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ये है, हाइड्रोजन फ्लोराइड का मॉलिक्यूल स्टेबल है देन रेस्ट ऑफ द हाइड्रा हैलाइड्स ऑफ हेलोजन फैमिली। तो ये तो हमने स्टेबिलिटी की बात कर दी। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। सबसे ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल कौन है? HF इनमें से। और क्योंकि यहां पे बॉन्ड छोटी है, बॉन्ड स्ट्रांग है, वो बॉन्ड डिकम्पोज नहीं होगी तो उसकी वजह से स्टेबल बनेगा। रेस्ट ये जब हम क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन की तरफ जाएंगे, एटॉमिक साइज बढ़ेगा हैलोजन्स का और बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी, बॉन्ड की स्ट्रांग भी कम हो जाएगी और मॉलिक्यूल्स भी अनस्टेबल बन जाएंगे। तो ये तो हमने स्टेबल की बात कर दी कि इनमें से कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है और कौन सा कंपाउंड अनस्टेबल है। इसके बाद हम बात करते हैं रिड्यूसिंग नेचर ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स और हाइड्रा हैलाइड्स किन्हें कहते हैं? HCl, HBr, HF, HI, उनको हम हाइड्रा हैलाइड्स भी कहते हैं। जैसे हाइड्रा फ्लोराइड HF, हाइड्रा क्लोराइड HCl, इन्हीं हाइड्रा हैलाइड्स का रिड्यूसिंग नेचर हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली मैं आपको एक चीज समझाता हूं, HX जो है, HX इट मे बी HCl, HBr, HI, HBr, ये मॉलिक्यूल अगर हम लेते हैं, अगर हम इसको हीट करेंगे, हीट करने की वजह से H और X के बीच में, हाइड्रोजन और हैलोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगी, तो यहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा और हैलोजन भी रिलीज होगा। तो देख लीजिए, दिस इज हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड को जब आप हीट करते हो तो ये रिलीज करते हैं कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। बिकॉज ऑफ दिस रीजन हाइड्रोजन हैलाइड्स अपॉन हीटिंग रिलीज हाइड्रोजन गैस, बिकॉज ऑफ दिस रीजन दे आर कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट्स, दे आर कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। हाइड्रोजन हैलाइड्स को हम रिड्यूसिंग एजेंट्स नाम देते हैं, इसलिए नाम देते हैं इनको रिड्यूसिंग एजेंट्स क्योंकि जब हम इनको हीट करते हैं ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। अब एक चीज समझना है सर, HF, HCl, HBr, HI, इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो हाइड्रोजन ज्यादा जल्दी रिलीज करेगा। और हाइड्रोजन कौन जल्दी रिलीज करेगा सबसे ज्यादा? जिसकी बॉन्ड वीक होगी, दैट इज हाइड्रोजन आयोडाइड। तो देख लीजिए,
देख लीजिए बेटा, एच एफ की बॉन्ड शॉर्ट होती है, एच सी एल की बॉन्ड थोड़ा बड़ी होती है, एच बी आर की बॉन्ड उससे भी बड़ी होती है, और एच आई की बॉन्ड जो है सबसे बड़ी होती है। तो जो एच एफ है, छोटी बॉन्ड होने की वजह से ये बॉन्ड जो है आसानी से ब्रेक नहीं होगी। इसमें अगर आपको बॉन्ड ब्रेक करनी है एच एफ मॉलिक्यूल में, यू हैव टू सप्लाई 474 किलो जूल पर मोल एनर्जी, तब जाके हाइड्रोजन फ्लोराइड की बॉन्ड ब्रेक होती है। शॉर्ट बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ब्रेक करने के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमें बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, 574 किलो जूल पर मोल। लेकिन यहां पे बॉन्ड बड़ी है, बॉन्ड बड़ी है तो अट्रैक्शन कम हुई होगी, अट्रैक्शन कम तो बॉन्ड वीक, जब बॉन्ड वीक है बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगी, जब बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगी तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी। तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है 299 किलो जूल पर मोल, दैट इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ एच आई। अब देख लीजिए एच एफ की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दैट इज 574 एंड एच आई की 299, इसका बहुत ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, तो ये स्टेबल मॉलिक्यूल है, इसका कम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है तो ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। अब बताइए इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल जल्दी डिकम्पोज होगा? एच आई, ये जल्दी हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, जब हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा जल्दी, दैट मीन्स इट विल बी अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इसको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन यहां पे बॉन्ड शॉर्ट है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बॉन्ड आसानी से ब्रेक ही नहीं होगी, हाइड्रोजन गैस आसानी से रिलीज ही नहीं होगा, तो ये एक वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, weakest reducing agent. So there has now become a rule, when we move from hydrogen fluoride to hydrogen iodide, there is increase in the reducing character. There is increase in reducing character. सबसे weak reducing character किसका है? हाइड्रोजन फ्लोराइड का, क्योंकि ये आसानी से हाइड्रोजन रिलीज ही नहीं करेगा, और क्योंकि यहां पे बॉन्ड आसानी से ब्रेक होती नहीं है, तो हाइड्रोजन जब ये रिलीज ही नहीं करेगा, ये सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। लेकिन जो ही हम फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन की तरफ जाएंगे, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड की वीकनेस बढ़ेगी, बॉन्ड आसानी से वीक हो ब्रेक हो जाएगी, हाइड्रोजन आसानी से रिलीज हो जाएगा, और साथ में रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इस ऑर्डर में जो है स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, लेकिन रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये हमने बात कर दी इनके रिड्यूसिंग नेचर की। अब रिड्यूसिंग नेचर के बाद हम बात करते हैं एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स की। HF, HCl, HCl बॉन्ड बड़ी है, HBr की बॉन्ड उससे भी बड़ी है, और HI की बॉन्ड सबसे बड़ी है। अब हम बात करते हैं एसिडिक कैरेक्टर के। एसिडिक कैरेक्टर, अब एसिड हम किसे कहते हैं? प्रोटिक एसिड, वो सबस्टेंस जो H पॉजिटिव रिलीज करेगा। ये कंपाउंड ब्रेक हो जाएगा तो रिलीज करेगा H पॉजिटिव F नेगेटिव, ये ब्रेक होगा रिलीज करेगा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये डिसोसिएट होगा बनाएगा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव Br नेगेटिव, तो ये वाला कंपाउंड ब्रेक हो जाएगा बनेगा H पॉजिटिव I नेगेटिव। कहने का मतलब ये है कि सारे कंपाउंड्स H पॉजिटिव डोनेट कर सकते हैं, दे कैन यील्ड H पॉजिटिव एंड डिसॉल्वड इन वाटर और व्हेन हीटेड, इनकी हेटेरोलिसिस होके हर कोई कंपाउंड H पॉजिटिव रिलीज कर सकता है, यानी कि सारे कंपाउंड्स एसिड्स हैं। लेकिन हमें क्या देखना है? एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर में क्या देखना है? कौन सा कंपाउंड स्ट्रॉन्ग एसिड है इनमें से, कौन सा कंपाउंड वीक एसिड है, उसका मतलब क्या है? कौन सा कंपाउंड आसानी से H पॉजिटिव रिलीज करेगा और कौन सा कंपाउंड आसानी से H पॉजिटिव रिलीज करेगा ही नहीं। बेटा अगर हम यहां पर थोड़ा, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सारे बच्चे यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ देखेंगे, कहेंगे सर फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन जल्दी ले जाएगा, जब जल्दी ले जाएगा हाइड बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगी और हाइड्रोजन जल्दी एच पॉजिटिव निकलेगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। बट बेटा ऐसा नहीं है, यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे एसिडिक कैरेक्टर डिपेंड नहीं करता है, यहां पे एसिडिक कैरेक्टर भी बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करता है। अब सबसे ज्यादा वीक बॉन्ड किसके पास है इनमें से? वीक बॉन्ड हाइड्रोजन आयोडाइड के पास। जब वीक बॉन्ड है तो वीक बॉन्ड होने की वजह से ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगी और ये कंपाउंड जल्दी एच पॉजिटिव रिलीज करेगा और जब ये बन जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, इनमें से ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बन जाएगा। अब यहां पर देख लो, छोटी बॉन्ड, बॉन्ड छोटी है लेकिन स्ट्रॉन्ग है,
बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसकी हाई है, इसकी बॉन्ड आसानी से ब्रेक ही नहीं होगी। जब आसानी से ब्रेक ही नहीं होगी तो यहां पे एच प्लस टू आसानी से रिलीज ही नहीं होगा। जब एच प्लस टू आसानी से रिलीज ही नहीं होगा तो यहां पे हम कहेंगे इट विल बी द वीकेस्ट ऑफ दीज एसिड्स, वीकेस्ट एसिड, इनमें से ये वीकेस्ट एसिड होगा। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से देखोगे तो बहुत सारे बच्चे क्या कहेंगे, फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन जल्दी इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और हाइड्रोजन को लॉस होकर ये जल्दी जल्दी एच प्लस टू रिलीज करेगा, तो उसके हिसाब से ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होना चाहिए। लेकिन यहां पे जो एसिडिक कैरेक्टर है हैलोजन्स का देखा गया है, दैट डजंट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट डिपेंड्स अपॉन द बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ यहां पे इंक्रीज हो रही है और जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो एसिडिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने की वजह से बॉन्ड की वीकनेस बढ़ेगी। जब बॉन्ड की वीकनेस बढ़ेगी तो बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगी और जब बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगी तो एच प्लस टू जल्दी निकलेगा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड तो यही होगा। तो एसिडिक कैरेक्टर में आपको याद रखना है HF is a weak acid than HCl, HCl is weak acid than HBr, and HBr is weak acid than HI. तो सबसे ज्यादा strongest acid कौन है यहाँ पे? कौन सा? HI. ये चीज याद रखना है। But here and most importantly you have to remember one thing. यहाँ पे acidic character फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड नहीं करता, दैट डिपेंड्स अपॉन द बॉन्ड लेंथ। जितनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा उतनी बॉन्ड वीक, जितनी बॉन्ड वीक उतना है बॉन्ड डिसोसिएशन जल्दी हो जाएगा और एच प्लस जल्दी रिलीज हो जाएगा और एसिड कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा। सो दिस वाज अबाउट देयर एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर डिस्कस करने के बाद अब हम बात करते हैं हाइड्रा हैलाइड्स के फिजिकल स्टेट की। हाइड्रा हैलाइड्स HF, HCl, HBr and HI. These are the hydra halides, hydrafluoride, hydrochloride, hydrobromide, hydroiodide. इन चारों कंपाउंड्स में से हाइड्रोजन फ्लोराइड वाहिद वो हाइड्रा हैलाइड है विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। लेकिन ये चारों कंपाउंड, ये तीनों कंपाउंड से HCl, HBr, HI, दे जनरली एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ गैस, गैसवस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। हाइड्रोजन फ्लोराइड रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, दैट इज इट्स फिजिकल स्टेट। लेकिन HCl, HBr, HI रूम टेम्परेचर पे गैसवस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। HF मॉलिक्यूल जो है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहां पे ये फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहां पे स्लाइट नेगेटिव, इस पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अब अगर मैं दूसरा एच एफ मॉलिक्यूल लाता हूं, उस पे भी फ्लोरीन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव होगा, तो ये एच एफ मॉलिक्यूल डाइपोल एंड दिस एच एफ मॉलिक्यूल डाइपोल, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, स्लाइट नेगेटिव स्लाइट पॉजिटिव, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। और आपको पता है बेटा, जब हाइड्रोजन की अट्रैक्शन होती है विथ वन ऑफ द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दैट अट्रैक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहां पे कौन सी बॉन्ड बन रही है? हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रही है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माना जाता है। इसी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की वजह से एच एफ मॉलिक्यूल्स क्लोज आते हैं और क्लोज आके वो बनाते हैं लिक्विड स्टेट। सो व्हाई एच एफ इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, बिकॉज एच एफ मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है, और उसी की वजह से मॉलिक्यूल्स क्लोज आएंगे और ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन HCl मॉलिक्यूल दूसरे HCl मॉलिक्यूल को भी अट्रैक्ट कर सकता है, HBr मॉलिक्यूल दूसरे HBr मॉलिक्यूल को भी इसी तरह अट्रैक्ट करेगा, HI मॉलिक्यूल दूसरे HI मॉलिक्यूल को इसी तरह अट्रैक्ट करेगा। लेकिन इनकी जो अट्रैक्शन होगी, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, दैट इज नॉट कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और वो अट्रैक्शन इनमें वो वीक होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन फ्लोराइड। जब इनके मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन वीक होती है तो ये मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहेंगे, जब दूर दूर रहेंगे एट रूम टेम्परेचर दे विल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ गैसवस फेज। सो यहां पे आपको याद रखना है, हाइड्रोजन फ्लोराइड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, व्हाइल एज दिस टेंडेंसी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट इन दीज हाइड्रा हैलाइड्स, दैट इज व्हाई एट रूम टेम्परेचर दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ गैसवस स्टेट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रिएक्शन ऑफ
halogens with hydrogen and the compounds they form and their nature reducing character, acidic character and stability and their physical state. We have discussed this thing. In our next lecture, inshallah, we are going to discuss one of the important lectures regarding halogens. That will be oxoacids of halogen family. We will next lecture. Till then, take care of yourself and khuda hafiz.